नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश गुप्ता, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आज आपसे जॉन्डिस के बारे में बात करूंगा। जॉन्डिस यानी कि पीलिया, आइए जानें इसके बारे में। क्या है जॉन्डिस, क्यों होता है, इससे क्या बीमारियां हो सकती हैं और इसका उपचार क्या होता है। अक्सर हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जैसे ही पीलिया पता चलता है, लोग घबरा जाते हैं कि ये तो अंत हो गया है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी है और हम ठीक नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है। अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जॉन्डिस से घबराना नहीं चाहिए, पहले इसका पता करना चाहिए क्यों है और फिर इसका इलाज कराना चाहिए। तो क्या है जॉन्डिस? आँखों में पीलापन आना, स्किन का पीला पड़ जाना, ये होता है जॉन्डिस, जिसको लोग पीलिया बोलते हैं आम भाषा में। क्यों होता है पीलिया? पीलिया होने का कारण अक्सर लिवर की बीमारियों से होता है, परंतु जरूरी नहीं है कि लिवर की वजह से ही हो। कई बार और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे पीलिया हो सकता है, जैसे कि खून का अत्यधिक टूटना या कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, आंतों के पास में जो बाइल डक्ट होती है उसमें अगर रुकावट आती है उससे भी पीलिया हो सकता है। जॉन्डिस का एक और कारण हो सकता है गॉल स्टोन्स। देखें, अगर गॉल स्टोन यानी कि पित्त की थैली में यहाँ पे हमारे पथरी है तो ये जॉन्डिस नहीं करेगी, परंतु अगर ये पथरी यहाँ से खिसक कर यहाँ पर आ जाती है तो यह पित्त के रास्ते में रुकावट कर सकती है और हमें पीलिया हो सकता है। यानी कि अगर पित्त की थैली की पथरी पित्त की नलकी में आ जाती है तो पित्त का भाव जो यहाँ से होते हुए आंतों में आना चाहिए था वह भाव नहीं हो पाता है। इस भाव को नहीं होने की वजह से पित्त यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और यहाँ से होते हुए ये ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने की वजह से ये जॉन्डिस कर सकता है। तो पित्त की थैली की पथरी भी जॉन्डिस का एक कारण बन सकती है। दूसरा कारण है, कभी कभी क्या होता है कि दूसरा कारण हो सकता है पित्त की थैली या पित्त की नलकी के अगर कैंसर्स हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर कैंसर की कोई गांठ हो जाती है या यहाँ पे कोई कैंसर की गांठ हो जाती है तो भी पित्त के भाव में रुकावट आ सकती है और यह जॉन्डिस का कारण बन सकती है। इस प्रकार की जॉन्डिस थोड़ी खतरनाक हो सकती है। तो जैसे ही हमें जॉन्डिस यानी पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं, हमें तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर यह डायग्नोस करना चाहिए कि जॉन्डिस का कारण क्या है और झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है लिवर की डिजीज़, यानी कि हमारे जिगर की बीमारियाँ जिससे पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो सकता है। क्या है ये बीमारी? सबसे इम्पोर्टेंट है वायरल हेपेटाइटिस एंड एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, यानी कि वायरसेस की वजह से लिवर को जो डैमेज होता है वो, और अल्कोहल की वजह से जो लिवर को डैमेज होता है वो, इन दोनों से ही लिवर डैमेज होता है और उससे पीलिया हो सकता है। अगला इम्पोर्टेंट कारण है दवाइयाँ यानी कि मेडिसिंस। कुछ मेडिसिंस ऐसी हैं जिनसे लिवर को नुकसान हो सकता है, यानी कि मेडिसिंस का साइड इफेक्ट जिससे लिवर में डैमेज हो सकता है उससे भी जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो सकता है। तीसरा इम्पोर्टेंट कारण है सिरोसिस। अब सिरोसिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज से सिरोसिस हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस से सिरोसिस हो सकता है, ड्रग्स की वजह से भी सिरोसिस हो सकता है, या कई बार फैटी लिवर डिजीज की वजह से भी सिरोसिस हो सकता है। अगर किसी भी वजह से हमारा सिरोसिस हो जाता है, लिवर सिरोटिक हो जाता है, तो भी हमें पीलिया हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट कारण है पित्त की थैली की पथरी यानी कि गॉल स्टोन्स। अगर गॉल स्टोन्स यानी कि पित्त की थैली की पथरी खाली गॉलब्लैडर में पड़ी रहती है तो वह अक्सर जॉन्डिस यानी पीलिया नहीं करती है, परंतु अगर वह अपनी जगह से हिलकर पित्त की नलकी में यानी कि बाइल डक्ट में आ जाती है तो वह पीलिया कर सकती है। ऐसी स्थिति में पेट में दर्द होना भी मुमकिन है और इसमें तुरंत इसका इलाज कराना चाहिए। अगर क्योंकि जल्दी से इसका इलाज नहीं कराते हैं तो यह कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। एक और इम्पोर्टेंट कारण है गिल्बर्ट सिंड्रोम। गिल्बर्ट सिंड्रोम इंडिया में लगभग 10% लोगों में पाया जाता है। यह एक बीमारी नहीं है बल्कि एक फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग है। जिस प्रकार हमारे शरीर में तिल होता है या रंग हमारा सांवला या गोरा होता है, इसी प्रकार गिल्बर्ट सिंड्रोम एक ऐसी फाइंडिंग है, कह सकते हैं बीमारी तो नहीं कहेंगे, जिसमें हमारा पीलिया नॉर्मल से ज़्यादा लेवल पे होता है। यानी कि गिल्बर्ट सिंड्रोम में हमेशा बिलरुबिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, परंतु उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक बीमारी नहीं है, उसको किसी दवाई से कम नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर में, भविष्य में इससे कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम नहीं होती है, लिवर सिरोसिस नहीं होता है, लिवर कैंसर नहीं होता है, ये भ्रांति हमें नहीं पालनी चाहिए। तो गिल्बर्ट सिंड्रोम को अपने डॉक्टर से सलाह कर डायग्नोस कराना चाहिए, उसके बाद में उसके लिए कोई औषधि या दवाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमें पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए कि ये जॉन्डिस जो हमें हुआ है इसका कारण क्या है। डॉक्टर हमें सलाह देंगे कि आपको ये टेस्ट कराना चाहिए, ये इन्वेस्टिगेशन अगर करा लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा
कि जॉन्डिस का कारण क्या है, कारण पता करने के बाद उसके निदान की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर लिवर सिरोसिस है तो उसका इलाज करना चाहिए, वायरल हेपेटाइटिस है तो उसका इलाज करना चाहिए, अल्कोहल की वजह से है तो अल्कोहल छोड़नी चाहिए, ड्रग्स मेडिसिन दवाइयों की वजह से है तो दवाइयाँ अपनी चेंज करानी चाहिए। तो पीलिया एक लाइलाज बीमारी नहीं है, जॉन्डिस का आराम से ट्रीट किया जा सकता है बशर्ते कि हमें पता चले कि इसका कारण क्या है, और इससे पहले कि ये लिवर को डैमेज करे इसका इलाज संभव है और हमें इसके बारे में जानकार बनना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जानकार बनिए, बीमारियों से बचिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।